99.9% त्रिपुरी कोकबोरक भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना पसंद करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोकबोरक बोलने वाले समुदाय अपने शब्दों को रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना ज्यादा आसान समझते हैं। इसी बात को बीती सीपीआईएम सरकार और वर्तमान में बीजेपी आईपीएफ की गठबंधन सरकार अच्छे से समझ सकते हैं कि ज्यादातर त्रिपुरी कोकबोरक भाषा के लिखावट के लिए रोमन स्क्रिप्ट को ही ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। इसी कारण ही जानबूझकर ही शायद त्रिपुरियों को अपनी भाषा को मनपसंद स्क्रिप्ट में लिखने तक का अधिकार नहीं दिया अब तक और मजबूरन उन्हें बंगाली या देवनागरी स्क्रिप्ट में अपनी भाषा लिखने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन त्रिपुरियों की ओर से मांगों के साथ आंदोलन जारी है कि वे सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट में ही कोकबोरक भाषा को लिखेंगे। अलग अलग स्थानों पर छात्र डेपुटेशन देते रहते हैं। इसी संदर्भ में बीते कुछ दिनों पहले टीएसएफ ने रोमन स्क्रिप्ट की मांग से एक और डेपुटेशन प्रदान की, जिस संदर्भ में एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा ने एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था, जिससे नाराज होकर टीएसएफ ने एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा के विरोध में एफआईआर दर्ज कराया, जिसके जवाब में एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा ने भी टीएसएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, जिसके जवाब में फिर से तिपरा मौथा के कार्यकर्ता आमयू नोआतिया ने वापस एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा पर एफआईआर दर्ज कराया। अब देखने वाली बात है आने वाले दिनों में क्या होगा, रोमन स्क्रिप्ट में कोकबोरक लिखने की मांग पूरी होगी या फिर बंगाली स्क्रिप्ट में कोकबोरक भाषा को लिखना पड़ेगा और अपने मातृभाषा के लिए इस युद्ध को और कितने साल लगेंगे ये तो समय ही बता पाएगा।